नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा ग्रही बदलाव होने वाला है। सेनापति मंगल बाल अवस्था को त्याग कर कुमार अवस्था यानी युवावस्था में प्रवेश करने वाले हैं, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, 25 जुलाई 2024 से सेनापति मंगल वृषभ राशि में यानी आपकी राशि में ही बलवान होने वाले हैं, यानी 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के मध्य तक चलायमान रहने वाले हैं और ये 8 अगस्त 2024 तक वृषभ राशि में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। मंगल के बलवान होने पे जहां कई राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, वहीं कई राशि वाले जातकों के जीवन में नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है ये जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, 12 जुलाई 2024 को ही मंगल का गोचर आपकी राशि यानी वृषभ राशि में हुआ और ये मंगल देव जो हैं वो काफी लंबे समय तक यानी 45 दिन तक 26 अगस्त तक आपकी राशि में ही रहने वाले हैं। जो समय हम आपको बता रहे हैं काफी कम समय रहने वाला है। 25 जुलाई से लेकर 8 अगस्त का समय आपके लिए मंगल के लिए बहुत ही पावरफुल रहने वाला है जो आपके राशि में मौजूद है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, मंगल के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सेनापति मंगल ज्योतिष शास्त्र में काफी प्रभावी और काफी बलवान प्लैनेट माने जाते हैं और आपके व्यय भाव और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं। मंगल की अवस्था किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर अगर प्रभावी हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। देखिए, बलवान मंगल के प्रभाव से कर्म क्षेत्र के मामले में असीमित ऊर्जा शक्ति जातक लेकर चलता है। मंगल अगर बलवान हो तो जातक को खेल, सेना, शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कम प्रयासों में सफलता मिल जाती है। और मंगल देव अगर बलवान होते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी मजबूत बनाते हैं, यानी अगर मंगल बलवान है तो जल्दी जल्दी बीमारी शरीर में नहीं लगती है। ये ऊर्जा के ग्रह माने जाते हैं, साहस के ग्रह माने जाते हैं और जीवन में बलवान होते हैं तो संपत्ति का भरपूर लाभ जीवन में करवाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि वाले जातकों, ये वीडियो आपके लिए काफी रोचक, काफी ज्ञानवर्धक और काफी खास रहने वाली है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। 25 जुलाई 2024 को मंगल देव आपके राशि में ही यानी आपके प्रथम भाव में ये बलवान होने वाले हैं, एक्टिव होने वाले हैं, ये 12 डिग्री में प्रवेश करने वाले हैं और गुरु के साथ प्रभावी रहने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की शुभता मिलने वाली है। सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों, मंगल की चौथी दृष्टि आपके सुख भाव पर जाने वाली है, सप्तम दृष्टि आपके राशि के वैवाहिक भाव पर जाने वाली है, अष्टम दृष्टि आपके आयु भाव पर जाने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में मंगल आपके जीवन में आपके मनोबल में और आपके उत्साह में वृद्धि करने वाले हैं। सबसे पहले वृषभ राशि के जातक, यदि आप किसी भी प्रकार का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं और आपके मन में आपकी जो मेहनत है कम और ज्यादा हो रही है, यानी कुछ समय के लिए आप उत्साहित होकर काम कर रहे हैं और कुछ समय के पश्चात यदि आपके अंदर आलस्य हावी हो रहा है, तो इस समयावधि में कठिन मेहनत और कर्म दक्षता के बल पर आप अपने जीवन में सुखों को और सफलता को अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। इस गोचर काल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों को विदेश से संबंधित कामों में सहयोग, शुभता मिलने वाली है। मंगल आपके राशि के विदेश भाव यानी आपके द्वादश भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो वर्तमान में इस समयावधि में बेहतर होंगे
तो जो जातक विदेश में रहकर कोई भी कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं या विदेश से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में शुभता जरूर मिलने वाली है। ये जो समय रहेगा, इसमें यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, आप वीजा वगैरह यदि आप पास करवाना चाहते हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। वृषभ राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से अपने जीवन में भौतिक सुखों से जुड़ी हुई किसी भी चीज को यदि आप खरीदना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन या घरेलू सामान से जुड़ा हुआ कोई भी वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं और पिछले समय से ही यदि आप प्रयासों के बावजूद नहीं ले पा रहे हैं, मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आपके सुख भाव पर जाने वाली है। इसके प्रभाव से वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन में भौतिक सुखों को अर्जित कर सकते हैं और सबसे बेहतर बात आपके लिए यह रहने वाली है, मंगल गुरु के साथ मौजूद है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने वाला है, यानी पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपके जीवन में चल रही है, पारिवारिक विषमताओं से, पारिवारिक समस्याओं से आपको निजात मिलने वाली है। और सबसे बेहतर बात वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर भी बनने वाली है। देखिए, इस गोचर काल के दौरान गुरु के साथ मंगल प्रभावी है और सप्तम दृष्टि इनके आपके वैवाहिक भाव पर जाने वाली है। वृषभ राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में विवाह की कामना लेकर आप चल रहे हैं, जिनके जीवन में विवाह की उम्र हो चुकी है, यदि आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है, आपके जीवन में गुरु मंगल का प्रथम भाव पर बना हुआ संयोग नवीन वैवाहिक प्रस्ताव को लाने के लिए समर्थता देने वाला है। और मंगल बलवान होंगे तो इस समयावधि में रिश्ते आपके जीवन में सुधरने वाले हैं। देखिए, वृषभ राशि वाले जातक जो हैं, अपने जीवन में आपका जो वैवाहिक जीवन है काफी ज्यादा श्रेष्ठ बनने वाला है, आपको जीवन साथी का सहयोग मिलने वाला है। और इस गोचर काल के दौरान वृषभ राशि के एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए, ऐसे जातक जो इस समयावधि में दर्शन शास्त्र, रिसर्च, अनुसंधान जैसे क्षेत्रों की यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके जीवन में यह समय काफी शुभकारी परिणाम देने वाला है। और वृषभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में चूंकि मंगल आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा, शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी, इन सभी चीजों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं, आपको काफी सावधान रहना है। और यहां पर इस गोचर काल में मंगल बलवान होंगे, प्रथम भाव पर बलवान होने वाले हैं, तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों का ऊर्जा स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को तेज रफ्तार में वाहन चलाते समय काफी सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगल का संबंध आपके अष्टम भाव से बनने वाला है, तो आपको इस समयावधि में धीमी रफ्तार में चलना चाहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन आपको जरूर करना है। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभता अर्जित करने के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करना शुभ रहने वाला है। देखिए, मंगलवार के दिन यदि आप गेहूं, गुड़, तांबा, लाल फूल, इनमें से किसी भी चीज का दान जरूरतमंद लोगों में करते हैं, तो भी आपके जीवन में मंगल की शुभता मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।